हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये 5:30 बजे का व्यू है। 5:30 में इतना उजाला हो गया है। आज है सैटरडे, मैं जाऊंगी मंदिर, इसलिए जल्दी उठी हूँ क्योंकि कल फ्राइडे को मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं दुकान से आ गई थी 10 बजे, 10:30 बजे ही मैं सो गई क्योंकि मेरे को बहुत वॉमिटिंग हुआ है और गर्मी के वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और हद से ज़्यादा, मतलब इसी वजह से अभी सुबह जल्दी उठ गई हूँ। 10:30 में कल सो गई थी ना, और मंदिर जाना है, सैटरडे है। देखिए, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए मेरा इतना यहाँ बर्तन है, यहाँ भी बर्तन है और यहाँ भी बर्तन है। हम रात को मोस्टली धो धा के सो जाते हैं लेकिन नहीं सो पाए। ये बर्तन से पता है हम यहाँ पर ऐसे क्यों रखे हैं? क्योंकि यहाँ पर ना छिपकली घुस गया था, मेरे को बहुत डर डर लगता है। यहाँ कपड़ा है, अभी कपड़ा सब समेट रहे हैं। कपड़ा समेट करके फिर जो ये दुकान का कपड़ा है ना, ये सबको भिंगाते हैं। इसको भिंगा देंगे सरफ में, ये जब तक फूलते रहेगा तब तक झाड़ू पोछा कर लेंगे, बर्तन सब भिंगा देंगे, ऐसा करके करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट करूँगी, नहीं तो मेरे को लेट हो जाएगा। मैं फिर आप लोग को आगे, मैं आप लोग से आगे से मिलती हूँ, ठीक है। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वो बहुत अच्छे होंगे। मैं नहा धो करके, मेरा गुरु पूर्णिमा है भाई आज, तो मेरा पूजा वूजा हो गया। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे पीछे में क्या रखा हुआ है, देखिए ये आम। आम कल मतलब धो धा करके धूप में पूरा दिन भर सुखा दी हूँ तो वो सूख गया है। अभी मैं डालूंगी अचार जो आप लोगों के सामने मैं दिखाने वाली हूँ। वैसे आप लोगों को आते ही होगा, बट फिर भी मैं जो जानती हूँ जैसा उस हिसाब से। ये 2 किलो का आम है, ज़्यादा नहीं क्योंकि कोई खाएगा नहीं, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। कभी दाल चावल मान लीजिए मन किया तो उस हिसाब से, तो इसको थोड़ा बंद कर लेती हूँ। उसके बाद आज तो दुकान का कुछ करना नहीं क्योंकि हम लोग कल दुकान जाके आ गए। ये नाश्ता में आज हम लोग ने कॉर्नफ्लेक्स खाया क्योंकि मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। सब्जी मेरा पड़ा हुआ है, सिर्फ चावल बना देते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है तो भाभी के यहाँ तो पूजा उजा होता, गाना वाना भी बज रहा है ना, तो गुरु पूर्णिमा के वजह से भाभी यहाँ तक आई मेरे घर पे, पूरा धूप धूप दिखा के गई। मेरा तो पूजा हुआ है बकायदा उनके तरफ से भी, इतना प्यार करती, इतना मानती है, इतनी मेरा नसीब इतना अच्छा कि मेरे को इतना अच्छे घर, इतने अच्छे मकान मालिक मेरे को मिले हैं। ये मेरा नसीब है क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तभी तो अच्छा नसीब मिलेगा। तो मैं अचार बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, वो आप लोगों को अच्छा लगे। और उसके पहले मैं 2-4 बात बोल देती हूँ, लेकिन पहले मैं भगवान जी का आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। ये देखिए आज गुरु पूर्णिमा है भाई, तो उस हिसाब से भगवान को फल फाल जो भी है पूजा उजा हो गया। और आपको पता है कि मुझे पूजा करना बहुत पसंद है, शुरू से बचपन से ही मैं थोड़ा पूजा पाठ वाली हूँ, इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है पूजा उजा करना। जब तक भगवान जी को पूजा नहीं कर लेती ना तब तक मेरे को कुछ खाने का मन नहीं करता, और कभी कभार खा लेती हूँ ज़्यादा भूख लगता तो, बट मोस्टली मेरे को पूजा करके खाने का आदत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं बोल रही थी ना कि देखिए मेरे क्रंच के वीडियोज़, मेरे ये जो चैनल है जिसमें मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ उसी पे आएंगे। टाइमिंग का रहा सवाल है तो मैं मेंशन कर दूँगी। 12 बजे तो है, 5 बजे वाला क्या हो जाता है ना कि मैं दुकान उस टाइम जाती हूँ, और उस टाइम मैं जैसे दुकान जाती हूँ कस्टमर पहले खड़े रहते, तो मेरे को थोड़ा सा मैं उस टाइम कर नहीं पाती हूँ, मतलब पब्लिक कर नहीं पाती हूँ, इसी वजह से मेरे को लेट हो जाता है। देखिए गर्मी लग रहा बहुत। और रात का 8 बजे वाला भी वही हाल होता है, तो उस वजह से लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वही है 8-10 बजे के बीच में मेरी एक वीडियो आ जाएगी, शाम को 5 से 6 के बीच में आ जाएगी, 12 बजे और एक सुबह 10 बजे। आप लोगों को बस मेरी वीडियोस को देखना है क्योंकि मैं न्यू ब्लॉग पे ही सब डालने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग मेरी वीडियो को, आप लोगों को ब्लॉग भी मिलेगा, जिन लोगों को ब्लॉग पसंद है ब्लॉग मिल जाएगा, साथ में खाना भी मिल जाएगा और साथ में थोड़ा क्रंच भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं टाइम बता दी हूँ, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितने कितने बजे देखते हो। और प्लीज़ पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि न्यू ब्लॉग होगा, ऑब्वियस आप लोग बोर नहीं होंगे। बाय द वे, एक ब्लॉग पे मेरे को वीडियो डाल रही हूँ मैं, और मैं थंबनेल नहीं डाल रही मट्टी वगैरह का, लेकिन मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दे रही हूँ कि मैं किस चीज़ की क्रंच कर रही हूँ, ठीक है। थंबनेल नहीं डालने का रीज़न है कि मेरा थंबनेल नहीं लेता है, शुरू से मैं नहीं डाली हूँ ना इसी वजह से। तो जो थंबनेल होता है ना, जो मतलब YouTube के तरफ का जो थंबनेल बन के आता है वही मैं डाल देती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो को मिस कर रहे क्रंच के वीडियोस को, वो ये टाइम पे देख सकते हैं। चलिए मैं इसको फटाफट बड़ा कढ़ाई में डालती हूँ, उसके बाद फटाफट इसमें मिक्स करके डब्बा में देके धूप में दे दूँगी। कुछ करना नहीं है क्योंकि जो मैं मसाला का पैकेट लाई हूँ, वो मसाला का पैकेट, पहली बार मैं मसाला का पैकेट पर बना रही हूँ,
कहने का मतलब है कि उस पर सब कुछ मिक्स है। देखती हूँ, पहली बार बनाऊँगी उसमें, लेकिन पीस करके बनाने में ज़्यादा मज़ा है क्योंकि दरदरा रहता है, खड़ा खड़ा मसाला। देखते हैं, ठीक है। ये देखिए भाभी का घर में जो माता रानी का मंदिर है, ये मेरे दरवाजे से निकलते साथ ही आप लोगों को दिखेगा। देखिए भाभी जा रही है, लाइट जला के दिखा रही है। मैं यहाँ म्यूट इसलिए की हूँ क्योंकि यहाँ पर वो वाला गाना बज रहा है, ओम भूर भूर्भुव स्वः, कॉपीराइट आ जाएगा उस लिए। देखिए कितना सुंदर है इनका मंदिर। जब मेरा घर होगा ना, मैं भी अलग से भगवान जी का मंदिर बनाऊँगी क्योंकि मेरे को पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए सब भगवान जी। भाभी बोली इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। बहुत अच्छी है, बहुत उनका मन साफ है, एकदम बहुत अच्छी इंसान है, सब अच्छे हैं उनके घर में, भाभी तो ज़्यादा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन में, मैंने एक्चुअली भाभी को पूर्णिमा के दिन में पूजा उजा करना, माता रानी है ना, फास्टिंग भी करती है, दुर्गा पूजा छठ बहुत फास्टिंग होता है इनका। तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ऐसा देख करके मंदिर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका मंदिर देख करके। बता रही है सब चीज। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसको बड़े कढ़ाई में डाल दिया है आम को, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे, मतलब यहाँ पर ना ये वाला मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, सारा मिक्स मसाला है, लेकिन फिर भी हम ले करके आए हैं, ऐसा बात नहीं है। सरसों, काला सरसों, मेथी दाना, उसके बाद इधर होगी अपना हल्दी पाउडर, ठीक है। फिर यहाँ इसमें है सारा धनिया वनिया सब कुछ है इसमें। तो हम लोग पहली बार मैं ना इसका बना रही हूँ, मतलब इसका देखती हूँ, ठीक है। इसका क्या, इस पर क्या है ना, बन तो जाएगा लेकिन इस पर आपको थोड़ा सा ना माहीन टाइप का मिलेगा। इस पर क्या पता क्या क्या डाला हुआ है। वो जो आंटी से मैं ली हूँ वो तो बोल रही थी कि सिर्फ वो दे देना, मतलब नमक और सरसों तेल। देखिए हाँ गोटा है, चलेगा। अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। मैं चावल चढ़ाई हूँ। मेरे हाथ से नमक बहुत कम गिरता है। अगर झाल की कमी होगी तो थोड़ा झाल डालना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से ना ये क्या बोलते हो आप लोग इसको, काला जीरा, मंगरेला, मंगरेल। हाँ जा ले क्या, और ये है सौंफ, इसमें सौंफ पड़ा है। चलिए ठीक है ना, हल्दी देखते हैं, मिक्स कर लेते हैं उसके बाद। एक मिनट, ये देखिए मेरे को भाभी बुलाई थी प्रसाद देने के लिए। ये है दो पेड़ा, दो मेरा, दो रणवीर का, और ये है पान माँ को चढ़ाया हुआ। तो मंदिर देख लिए, चलिए अब हम लोग अचार बनाएंगे। सरसों का तेल डालना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा ही डालिए ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। वो आंटी तो बोल रही थी कि कुछ भी ऊपर से डालने का जरूरत नहीं है, खाली नमक, नमक और तेल डालना है। पता नहीं इसमें जीरा का मैं पहली बार ये बना रही हूँ, मतलब पहली बार मैं रेडीमेड ये बना रही हूँ। मेरे को इसमें हल्दी कम लग रहा है। अच्छा आप लोग अचार कैसे बनाते हैं बताइएगा। देखिए अगर आप लोगों को नहीं आता अचार बनाना तो इस तरह से ना आप लोगों को मसाला का पैकेट अचार का रेडीमेड मिल जाएगा। ये मैं जिंदगी में पहली बार रेडीमेड मसाला यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, देखिए अचार सबको दिखा के नहीं बनाया जाता, अचार में नज़र बहुत जल्दी लगता है, लेकिन ठीक है। ये देखिए इस पे ना
सारा मसाला घोटा है। बहुत लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं। अब इसमें क्या, हम थोड़ा सा गुड़ दे देंगे, ठीक है, गुड़ को कूट करके दे देंगे। इसमें मेरे को थोड़ा जीरा और धनिया का स्मेल कम आ रहा है, जीरा धनिया, और ये सौंफ है। सौंफ को ऊपर से डालते हैं, आप लोग कैसे डालते बताना। सौंफ को बहुत लोग पीस के देता है, लेकिन हम पीस के नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी क्या है, रोज रोज धूप में जाके ना ये गल जाएगा, है ना। वाओ, 2 किलो में, 2 किलो का 4 में ये मसाला एकदम परफेक्ट पड़ा है, एकदम परफेक्ट। अब क्या ये गलने के बाद तो मसाला पूरा ऊपर में दिखेगा ना, आप लोग खुद देखिए, जिसके जिसके मुंह में पानी आ रहा कमेंट्स करके बताना। तो फ्रेंड्स चलिए इसको डब्बे में देते हैं, उसके बाद धूप में डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा भाभी को बुला के दिखा देती हूँ। एक नंबर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये 5:30 बजे का व्यू है, 5:30 में इतना उजाला हो गया है। आज है सैटरडे, मैं जाऊंगी मंदिर, इसलिए जल्दी उठी हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे को मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं दुकान से आ गई थी 10 बजे, 10:30 बजे ही मैं सो गई, क्योंकि मेरे को बहुत वॉमिटिंग हुआ है और गर्मी के वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और हद से ज़्यादा, मतलब इसी वजह से अभी सुबह जल्दी उठ गई हूँ। 10:30 में कल सो गई थी ना, और मंदिर जाना है, सैटरडे है। देखिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा से इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए मेरा इतना यहाँ बर्तन है, यहाँ भी बर्तन है और यहाँ भी बर्तन है। हम रात को मोस्टली धो धा के सो जाते हैं, लेकिन नहीं सो पाए ये बर्तन से। पता है हम यहाँ पर ऐसे क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना छिपकली घुस गया था, मेरे को बहुत डर लगता है। यहाँ कपड़ा है, अभी कपड़ा सब समेट रहे हैं, कपड़ा समेट करके फिर जो ये दुकान का कपड़ा है ना, ये सबको भिंगाते हैं, इसको भिंगा देंगे सरफ में, ये जब तक फूलते रहेगा तब तक झाड़ू पोछा कर लेंगे, बर्तन सब भिंगा देंगे, ऐसा करके करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट करूँगी, नहीं तो मेरे को लेट हो जाएगा। मैं फिर आप लोगों को आगे, मैं आप लोग से आगे से मिलती हूँ, ठीक है। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, वो बहुत अच्छे होंगे। मैं नहा धोकर के, मेरा गुरु पूर्णिमा है भाई आज, तो मेरा पूजा वूजा हो गया, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे पीछे में क्या रखा हुआ है, देखिए ये आम, आम कल मतलब धो धा करके धूप में पूरा दिन भर सुखा दी हूँ, तो वो सूख गया है। अभी मैं डालूंगी अचार, जो आप लोगों के सामने मैं दिखाने वाली हूँ। वैसे आप लोगों को आते ही होगा, बट फिर भी मैं जो जानती हूँ जैसा उस हिसाब से। ये 2 किलो का आम है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई खाएगा नहीं, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, कभी दाल चावल मान लीजिए मन किया तो उस हिसाब से, तो इसको थोड़ा बंद कर लेती हूँ। उसके बाद आज तो दुकान का कुछ करना नहीं, क्योंकि हम लोग कल दुकान जाके आ गए। ये नाश्ता में आज हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट खाया, क्योंकि मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, सब्जी मेरा पड़ा हुआ है, सिर्फ चावल बना देते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो भाभी के यहाँ तो पूजा उजा होता, गाना वाना भी बज रहा है ना, तो गुरु पूर्णिमा की वजह से भाभी यहाँ तक आई मेरे घर पर, पूरा धूप धूप दिखा के गई। मेरा तो पूजा हुआ है बकायदा उनके तरफ से भी, इतना प्यार करती है, इतना मानती है, इतनी मेरा नसीब इतना अच्छा कि मेरे को इतना अच्छे घर, इतने अच्छे मकान मालिक मेरे को मिले हैं, ये मेरा नसीब है, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तभी तो अच्छा नसीब मिलेगा। तो मैं अचार बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, वो आप लोगों को अच्छा लगे। और उसके पहले मैं 2-4 बात बोल देती हूँ, लेकिन पहले मैं भगवान जी का आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। ये देखिए आज गुरु पूर्णिमा है भाई, तो उस हिसाब से भगवान को फल फाल जो भी है, पूजा वूजा हो गया। और आपको पता है कि मुझे पूजा करना बहुत पसंद है, शुरू से बचपन से ही मैं थोड़ा पूजा पाठ वाली हूँ, इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है पूजा वूजा करना। जब तक भगवान जी को पूजा नहीं कर लेती ना, तब तक मेरे को कुछ खाने का मन नहीं करता, और कभी कभार खा लेती हूँ ज़्यादा भूख लगता तो, बट मोस्टली मेरे को पूजा करके खाने का आदत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बोल रही थी ना कि देखिए मेरे क्रंच के वीडियोज़, मेरे ये जो चैनल है जिसमें मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, उसी पर आएंगे। टाइमिंग का रहा सवाल है तो मैं मेंशन कर दूंगी, 12 बजे तो है, 5 बजे वाला क्या हो जाता है ना कि मैं दुकान उस टाइम जाती हूँ, और उस टाइम मैं जैसे दुकान जाती हूँ कस्टमर पहले खड़े रहते, तो मेरे को थोड़ा सा मैं उस टाइम कर नहीं पाती हूँ, मतलब पब्लिक कर नहीं पाती हूँ, इसी वजह से मेरे को लेट हो जाता है। देखिए गर्मी लग रहा बहुत, और रात का 8 बजे वाला भी वही हाल होता है, तो उस वजह से लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वही है 8-10 बजे के बीच में मेरी एक वीडियो आ जाएगी
शाम को 5 से 6 के बीच में आ जाएगी, 12 बजे, और एक सुबह 10 बजे। आप लोगों को बस मेरी वीडियोस को देखना है, क्योंकि मैं न्यू ब्लॉग पे ही सब डालने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग मेरी वीडियो को, आप लोगों को ब्लॉग भी मिलेगा, जिन लोगों को ब्लॉग पसंद है ब्लॉग मिल जाएगा, साथ में खाना भी मिल जाएगा और साथ में थोड़ा क्रंच भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं टाइम बता दी हूँ, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितने कितने बजे देखते हो, और प्लीज़ पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि न्यू ब्लॉग होगा ऑब्वियस आप लोग बोर नहीं होंगे। बाय द वे, एक ब्लॉग पे मेरे को वीडियो डाल रही हूँ मैं, और मैं थंबनेल नहीं डाल रही मिट्टी वगैरह का, लेकिन मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दे रही हूँ कि मैं किस चीज़ की क्रंच कर रही हूँ, ठीक है। थंबनेल नहीं डालने का रीज़न है कि मेरा थंबनेल नहीं लेता है, शुरू से मैं नहीं डाली हूँ ना इसी वजह से, तो जो थंबनेल होता है ना, जो मतलब YouTube की तरफ का जो थंबनेल बन के आता है वही मैं डाल देती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो को मिस कर रहे क्रंच के वीडियोस को, वो ये टाइम पे देख सकते हैं। चलिए मैं इसको फटाफट कढ़ाई, बड़ा कढ़ाई में डालती हूँ, उसके बाद फटाफट इसमें मिक्स करके डब्बा में देके धूप में दे दूँगी। कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो मैं मसाला का पैकेट लाई हूँ, वो मसाला का पैकेट में पहली बार मैं मसाला का पैकेट पर बना रही हूँ, कहने का मतलब है कि उस पर सब कुछ मिक्स है, देखती हूँ पहली बार बनाऊँगी उसमें। लेकिन पीस करके बनाने में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि दरदरा रहता है खड़ा खड़ा मसाला, देखते हैं, ठीक है। ये देखिए भाभी का घर में जो माता रानी का मंदिर है, ये मेरे दरवाजे से निकलते साथ ही आप लोगों को दिखेगा। देखिए भाभी जा रही है, लाइट जला के दिखा रही है। मैं यहाँ म्यूट इसलिए की हूँ क्योंकि यहाँ पर वो वाला गाना बज रहा है, ओम भूर भूर्व स्वः, कॉपीराइट आ जाएगा उस लिए। देखिए कितना सुंदर है इनका मंदिर, जब मेरा घर होगा ना मैं भी अलग से भगवान जी का मंदिर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए सब भगवान जी, भाभी बोली इधर दिखाओ उधर दिखाओ उधर दिखाओ, बहुत अच्छी है, बहुत उनका मन साफ है एकदम, बहुत अच्छी इंसान है, सब अच्छे हैं उनके घर में, भाभी तो ज़्यादा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन में, मैंने एक्चुअली भाभी को पूर्णिमा के दिन में पूजा उजा करना, माता रानी है ना, फास्टिंग भी करती है, दुर्गा पूजा छठ बहुत फास्टिंग होता है इनका, तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ऐसा देख करके मंदिर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका मंदिर देख करके, बता रही हैं सब चीज। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसको बड़े कढ़ाई में डाल दिया है आम को, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे, मतलब यहाँ पर ना ये वाला मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, सारा मिक्स मसाला है, लेकिन फिर भी हम ले करके आए हैं, ऐसा बात नहीं है। सरसों, काला सरसों, मेथी दाना, उसके बाद इधर होगी अपना हल्दी पाउडर, ठीक है। फिर यहाँ इसमें है सारा धनिया वनिया सब कुछ है इसमें, तो हम लोग पहली बार मैं ना इसका बना रही हूँ, मतलब इसका देखती हूँ, ठीक है। इसका क्या, इस पर क्या है ना, बन तो जाएगा लेकिन इस पर आपको थोड़ा सा ना माहीन टाइप का मिलेगा, इस पर क्या पता क्या क्या डाला हुआ है। वो जो आंटी से मैं ली हूँ वो तो बोल रही थी कि सिर्फ वो दे देना, मतलब नमक और सरसों तेल। देखिए हाँ गोटा है, चलेगा। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, मैं चावल चढ़ाई हूँ। मेरे यहाँ से नमक बहुत कम गिरता है। अगर झाल की कमी होगी तो थोड़ा झाल डालना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से ना ये क्या बोलते हो आप लोग इसको, काला जीरा, मंगरेला, मंगरेल, हाँ जाले क्या, और ये है सौंफ, इसमें सौंफ पड़ा है। चलिए ठीक है ना, हल्दी देखते हैं, मिक्स कर लेते हैं उसके बाद। एक मिनट, ये देखिए मेरे को भाभी बुलाई थी प्रसाद देने के लिए। ये है दो पेड़ा, दो मेरा, दो रंजीत का, और ये है पान माँ को चढ़ाया हुआ। तो मंदिर देख लिए, चलिए अब हम लोग अचार बनाएंगे।
सरसों का तेल डालना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा ही डालिए ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। वो आंटी तो बोल रही थी कि कुछ भी ऊपर से डालने का जरूरत नहीं है, खाली नमक नमक और तेल डालना है। पता नहीं इसमें जीरा का मैं पहली बार ये बना रही हूँ, मतलब पहली बार मैं रेडीमेड ये बना रही हूँ। मेरे को इसमें हल्दी कम लग रहा है। अच्छा, आप लोग अचार कैसे बनाते हैं बताइएगा। देखिए, अगर आप लोगों को नहीं आता अचार बनाना तो इस तरह से ना आप लोगों को मसाला का पैकेट अचार का रेडीमेड मिल जाएगा। ये मैं जिंदगी में पहली बार रेडीमेड मसाला यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए देखिए, अचार सबको दिखा के नहीं बनाया जाता, अचार में नज़र बहुत जल्दी लगता है। लेकिन ठीक है, ये देखिए इस पर ना सारा मसाला गोटा है, ठीक है। बहुत लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं। अब इसमें क्या, हम थोड़ा सा गुड़ दे देंगे, ठीक है, गुड़ को कूट करके दे देंगे। इसमें मेरे को थोड़ा जीरा और धनिया का स्मेल कम आ रहा है, जीरा धनिया और ये सौंफ है। सौंफ को ऊपर से डालते हैं, आप लोग कैसे डालते बताना, ठीक है। सौंफ को बहुत लोग पीस के देता है, लेकिन हम पीस के नहीं देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अभी क्या है, रोज रोज धूप में जाके ना ये गल जाएगा, है ना। वाओ, 2 किलो में, 2 किलो का चार में ये मसाला एकदम परफेक्ट पड़ा है, एकदम परफेक्ट। अब क्या ये गलने के बाद तो मसाला पूरा ऊपर में दिखेगा ना, आप लोग खुद देखिए। जिसके जिसके मुंह में पानी आ रहा कमेंट्स करके बताना। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको डब्बे में देते हैं, उसके बाद धूप में डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा भाभी को बुला के दिखा देती हूँ। एक नंबर। पूरा कच्चा मिट्टी का था वो। बहुत टेस्टी था ये भी कच्चा मिट्टी। मुल्तानी है।
टेस्ट अभी जितना भी चीज़ खाई बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। बाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये 5:30 बजे का व्यू है। 5:30 में इतना उजाला हो गया है। आज है सैटरडे, मैं जाऊंगी मंदिर, इसलिए जल्दी उठी हूँ क्योंकि कल फ्राइडे को मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं दुकान से आ गई थी 10 बजे, 10:30 बजे ही मैं सो गई क्योंकि मेरे को बहुत वॉमिटिंग हुआ है और गर्मी के वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और हद से ज़्यादा, मतलब इसी वजह से अभी सुबह जल्दी उठ गई हूँ। 10:30 में कल सो गई थी ना, और मंदिर जाना है, सैटरडे है। देखिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा से इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए मेरा इतना यहाँ बर्तन है, यहाँ भी बर्तन है और यहाँ भी बर्तन है। हम रात को मोस्टली धो धा के सो जाते हैं लेकिन नहीं सो पाए। ये बर्तन से पता है हम यहाँ पर ऐसे क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना छिपकली घुस गया था। मेरे को बहुत डर डर लगता है। यहाँ कपड़ा है, अभी कपड़ा सब समेट रहे हैं। कपड़ा समेट करके फिर जो ये दुकान का कपड़ा है ना, ये सबको भिंगाते हैं। इसको भिंगा देंगे सरफ में, ये जब तक फूलते रहेगा तब तक झाड़ू पोछा कर लेंगे, बर्तन सब भिंगा देंगे, ऐसा करके करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट करूँगी, नहीं तो मेरे को लेट हो जाएगा। मैं फिर आप लोगों को आगे, मैं आप लोग से आगे से मिलती हूँ, ठीक है। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वो बहुत अच्छे होंगे। मैं नहा धो करके, मेरा गुरु पूर्णिमा है भाई आज, तो मेरा पूजा वूजा हो गया। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे पीछे में क्या रखा हुआ है, देखिए ये आम। आम कल मतलब धो धा करके धूप में पूरा दिन भर सुखा दी हूँ तो वो सूख गया है। अभी मैं डालूंगी अचार जो आप लोगों के सामने मैं दिखाने वाली हूँ। वैसे आप लोगों को आते ही होगा, बट फिर भी मैं जो जानती हूँ जैसा उस हिसाब से। ये 2 किलो का आम है, ज़्यादा नहीं क्योंकि कोई खाएगा नहीं, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। कभी दाल चावल मान लीजिए मन किया तो उस हिसाब से, तो इसको थोड़ा बंद कर लेती हूँ। उसके बाद आज तो दुकान का कुछ करना नहीं क्योंकि हम लोग कल दुकान जाके आ गए। ये नाश्ता में आज हम लोग ने कॉर्नफ्लेक्स खाया क्योंकि मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। सब्जी मेरा पड़ा हुआ है, सिर्फ चावल बना देते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है तो भाभी के यहाँ तो पूजा हो जाओ, गाना वाना भी बज रहा है ना, तो गुरु पूर्णिमा के वजह से भाभी यहाँ तक आई मेरे घर पे, पूरा धूप ऊप दिखा के गई। मेरा तो पूजा हुआ है बकायदा उनके तरफ से भी, इतना प्यार करती है, इतना मानती है, इतनी मेरा नसीब इतना अच्छा कि मेरे को इतना अच्छे घर, इतने अच्छे मकान मालिक मेरे को मिले हैं। ये मेरा नसीब है क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तभी तो अच्छा नसीब मिलेगा। तो मैं अचार बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, वो आप लोगों को अच्छा लगे। और उसके पहले मैं 2-4 बात बोल देती हूँ, लेकिन पहले मैं भगवान जी का आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। ये देखिए आज गुरु पूर्णिमा है भाई, तो उस हिसाब से भगवान को फल फाल जो भी है पूजा वूजा हो गया। और आपको पता है कि मुझे पूजा करना बहुत पसंद है, शुरू से बचपन से ही मैं थोड़ा पूजा पाठ वाली हूँ, इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है पूजा वूजा करना। जब तक भगवान जी को पूजा नहीं कर लेती ना, तब तक मेरे को कुछ खाने का मन नहीं करता। और कभी कभार खा लेती हूँ ज़्यादा भूख लगता तो, बट मोस्टली मेरे को पूजा करके खाने का आदत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं बोल रही थी ना कि देखिए मेरे क्रंच के वीडियोज़, मेरे ये जो चैनल है जिसमें मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ उसी पे आएंगे। टाइमिंग का रहा सवाल है तो मैं मेंशन कर दूँगी। 12 बजे तो है, 5 बजे वाला क्या हो जाता है ना कि मैं दुकान उस टाइम जाती हूँ, और उस टाइम मैं जैसे दुकान जाती हूँ कस्टमर पहले खड़े रहते, तो मेरे को थोड़ा सा मैं उस टाइम कर नहीं पाती हूँ, मतलब पब्लिक कर नहीं पाती हूँ, इसी वजह से मेरे को लेट हो जाता है। देखिए गर्मी लग रहा बहुत। और रात का 8 बजे वाला भी वही हाल होता है, तो उस वजह से लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन वही है, 8-10 बजे के बीच में मेरी एक वीडियो आ जाएगी, शाम को 5 से 6 के बीच में आ जाएगी, 12 बजे, और एक सुबह 10 बजे। आप लोगों को बस मेरी वीडियोस को देखना है क्योंकि मैं न्यू ब्लॉग पे ही सब डालने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग मेरी वीडियो को, आप लोगों को ब्लॉग भी मिलेगा, जिन लोगों को ब्लॉग पसंद है ब्लॉग मिल जाएगा, साथ में खाना भी मिल जाएगा और साथ में थोड़ा क्रंच भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं टाइम बता दी हूँ, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितने कितने बजे देखते हो। और प्लीज़ पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि न्यू ब्लॉग होगा, ऑब्वियस आप लोग बोर नहीं होंगे। बाय द वे, एक ब्लॉग पे मेरे को वीडियो डाल रही हूँ मैं, और मैं थंबनेल नहीं डाल रही मिट्टी वगैरह का, लेकिन मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दे रही हूँ कि मैं किस चीज़ की क्रंच कर रही हूँ, ठीक है। थंबनेल नहीं डालने का रीज़न है कि मेरा थंबनेल नहीं लेता है, शुरू से मैं नहीं डाली हूँ ना इसी वजह से। तो जो थंबनेल होता है ना, जो मतलब YouTube के तरफ का जो थंबनेल बन के आता है वही मैं डाल देती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो को मिस कर रहे क्रंच के वीडियोस को, वो ये टाइम पे देख सकते हैं,
चलिए मैं इसको फटाफट कढ़ाई, बड़ा कढ़ाई में डालती हूँ, उसके बाद फटाफट इसमें मिक्स करके डब्बा में देके धूप में दे दूँगी। कुछ करना नहीं है क्योंकि जो मैं मसाला का पैकेट लाई हूँ वो मसाला का पैकेट में, पहली बार मैं मसाला का पैकेट पे बना रही हूँ, कहने का मतलब है कि उस पर सब कुछ मिक्स है, देखती हूँ पहली बार बनाऊँगी उसमें। लेकिन पीस करके बनाने में ज़्यादा मज़ा है क्योंकि दरदरा रहता है खड़ा खड़ा मसाला, देखते हैं। ठीक है, ये देखिए भाभी का घर में जो माता रानी का मंदिर है, ये मेरे दरवाजे से निकलते साथ ही आप लोगों को दिखेगा। देखिए भाभी जा रही है, लाइट जला के दिखा रही है। मैं यहाँ म्यूट इसलिए की हूँ क्योंकि यहाँ पर वो वाला गाना बज रहा है, ओम भूर भूर्व स्वः, कॉपीराइट आ जाएगा उस लिए। देखिए कितना सुंदर है इनका मंदिर। जब मेरा घर होगा ना, मैं भी अलग से भगवान जी का मंदिर बनाऊँगी क्योंकि मेरे को पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए सब भगवान जी, भाभी बोली इधर दिखाओ उधर दिखाओ उधर दिखाओ, बहुत अच्छी है, बहुत उनका मन साफ है एकदम, बहुत अच्छी इंसान है, सब अच्छे हैं उनके घर में, भाभी तो ज़्यादा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन में, मैंने एक्चुअली भाभी को पूर्णिमा के दिन में पूजा उजा करना, माता रानी है ना, फास्टिंग भी करती है, दुर्गा पूजा छठ बहुत फास्टिंग होता है इनका। तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ऐसा देख करके मंदिर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका मंदिर देख करके, बता रही है सब चीज। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसको बड़े कढ़ाई में डाल दिया है आम को, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे, मतलब यहाँ पर ना ये वाला मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, सारा मिक्स मसाला है, लेकिन फिर भी हम ले करके आए हैं, ऐसा बात नहीं है। सरसों, काला सरसों, मेथी दाना, उसके बाद इधर होगी अपना हल्दी पाउडर, ठीक है। फिर यहाँ इसमें है सारा धनिया वनिया सब कुछ है इसमें। तो हम लोग पहली बार मैं ना इसका बना रही हूँ, मतलब इसका देखती हूँ, ठीक है। इसका टेस्ट इस पर क्या है ना, बन तो जाएगा लेकिन इस पर आपको थोड़ा सा ना माहीन टाइप का मिलेगा, क्या पता क्या क्या डाला हुआ है। वो जो आंटी से मैं ली हूँ वो तो बोल रही थी कि सिर्फ वो दे देना, मतलब नमक और सरसों तेल। देखिए हाँ गोटा है, चलेगा। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, मैं चावल चढ़ाई हूँ। मेरे यहाँ से नमक बहुत कम गिरता है। अगर झाल की कमी होगी तो थोड़ा झाल डालना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से ना ये क्या बोलते हो आप लोग इसको, काला जीरा, मंगरेला, मंगरेल। हाँ जा ले क्या, और ये है सौंफ, इसमें सौंफ पड़ा है। चलिए ठीक है ना, हल्दी देखते हैं, मिक्स कर लेते हैं उसके बाद। एक मिनट, ये देखिए मेरे को भाभी बुलाई थी प्रसाद देने के लिए। ये है दो पेड़ा, दो मेरा दो रंजीत का, और ये है पान माँ को चढ़ाया हुआ। तो मंदिर देख लिए, चलिए अब हम लोग अचार बनाएंगे। सरसों का तेल डालना है, ठीक है, पहले थोड़ा सा ही डालिए ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। वो आंटी तो बोल रही थी कि कुछ भी ऊपर से डालने का जरूरत नहीं है, खाली नमक, नमक और तेल डालना है। पता नहीं इसमें जीरा का मैं पहली बार ये बना रही हूँ, मतलब पहली बार मैं रेडीमेड ये बना रही हूँ, मेरे को इसमें हल्दी कम लग रहा है। अच्छा आप लोग अचार कैसे बनाते हैं बताइएगा। देखिए अगर आप लोगों को नहीं आता अचार बनाना तो इस तरह से ना आप लोगों को मसाला का पैकेट अचार का रेडीमेड मिल जाएगा। ये मैं जिंदगी में पहली बार
रेडीमेड मसाला यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए देखिए, अचार सबको दिखा के नहीं बनाया जाता, अचार में नज़र बहुत जल्दी लगता है, लेकिन ठीक है ये देखिए, इस पे ना सारा मसाला गोटा है, ठीक है। बहुत लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं। अब इसमें क्या, हम थोड़ा सा गुड़ दे देंगे, ठीक है, गुड़ को कूट करके दे देंगे, इसमें मेरे को थोड़ा जीरा और धनिया का स्मेल कम आ रहा है, जीरा धनिया और ये सौंफ है, सौंफ को ऊपर से डालते हैं, आप लोग कैसे डालते बताना, ठीक है। सौंफ को बहुत लोग पीस के देता है, लेकिन हम पीस के नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी क्या है, रोज रोज धूप में जाके ना ये गल जाएगा, है ना। वाओ, 2 किलो में, 2 किलो का 4 में ये मसाला एकदम परफेक्ट पड़ा है, एकदम परफेक्ट। अब क्या ये गलने के बाद तो मसाला पूरा ऊपर में दिखेगा ना, आप लोग खुद देखिए, जिसके जिसके मुंह में पानी आ रहा कमेंट्स करके बताना। तो फ्रेंड्स चलिए इसको डब्बे में देते हैं, उसके बाद धूप में डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा भाभी को बुला के दिखा देती हूँ। एक नंबर।